જે રીતના આજે લિસ્ટિંગ થતા દેખાય છે એની પર એક નજર કરી લઈએ. ત્રણ કાઉન્ટર્સ લિસ્ટ થયા જે આપણે જોયા, જેની અંદર SGS, સિગાચી અને સાથે જ પીબી ફિનટેક, ત્રણેય કાઉન્ટર્સની અંદર લિસ્ટિંગ થતા જોયું. સિગાચી માટે હાઈએસ્ટ પ્રીમિયમ, મોર દેન 250% પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થતા આ કાઉન્ટર દેખાયો. એ સિવાય પીબી ફિનટેક નિયરલી 20% પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયો અને સાથે જ SGS કાઇન્ડ ઓફ ફ્લેટિશ હતો, જે હવે લગભગ 1.25% નીચે અત્યારે કોટ કરી રહ્યો છે. તો ત્રણેય કાઉન્ટર્સની ઉપર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા જ રહીશું. અને આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે આમાંથી જ એક છે, SGS એન્ટરપ્રાઇઝિસના MD અને KA જોસેફ, સાથે જ ED અને CEO સંજય થાપર જોડાઈ ચૂક્યા છે. સર, સ્વાગત હે આપ દોનો કા શો કે ઉપર. સબસે પહેલે શરૂઆત મેં ઓવરઓલ જો આપકે ટાર્ગેટ સેટ હૈ લિસ્ટિંગ કે બાદ ઉસી સે કરના ચાહ રહી થી, કિસ તરીકે સે વર્કઆઉટ હો રહા હૈ ઓર ચૂંકિ યે OFS હૈ હમ લોગ ઓલરેડી જાનતે હૈ, યહાં સે કંપની કે જો ઓવરઓલ યુઝેજ કી બાત કર રહે હૈ, विजन किस तरीके से बिल्ट ऑन हो रहा है, क्योंकि OFS है तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ से कम होगा. आगे आपके प्लान्स क्या है, उसी के एक चेक से शुरुआत करें. हमारा काम पे ध्यान है तो हम बिजनेस पे फोकस करते हैं, तो हमारा फोकस जितना जो था पिछले सालों में वही बरकरार रहेगा. हम अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे. इबिड्डा, इंडस्ट्री लीडिंग इबिड्डा हम देते आए हैं मार्केट को, अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 5-10 साल से. तो हमारा इबिड्डा मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे बेहतरीन है. तकरीबन 28-30% की रेंज में हमारा इबिड्डा रहता है और ये कंसिस्टेंटली रहता है. तो हमारा अंदेशा ये है कि आने वाले दिनों में हमारी बिजनेस की ग्रोथ भी बरकरार रहेगी और हमारी मार्जिन प्रोफाइल भी उसी तौर पर बढ़ती रहेगी. अग्रीड सर. अच्छा जोसेफ जी, आपसे मैं एक और चीज़ समझना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग SGS की जब बात कर रहे हैं, ये मार्केट साइज किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है और अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ में कंपेरेबल कंपेटिटर भी नहीं है आपके साथ. एक आइडिया अगर आप इसके लिहाज से मुझे दे पाएं किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, कितनी बड़ी मार्केट साइज है, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? What happened was CRISIL did a survey on on the aesthetic product requirements in India, and for 2021 they came out with an approximate figure of about 2000 crores. So right now we are, and out of this 2000 crores there are products like chrome plating, and so that is about anywhere between 800 to 900 crores. So what is left out is approximately about 1,100 crores. And in this particular segment, we operate to about 30% of that market. But going forward, our outlook is to premiumize the content that we are giving to our customers, both in appliances as well as auto industry. Sanjay, you can add on to that. नहीं तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज करें और कितने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, शेयर ऑफ वॉलेट इंक्रीज करें हिंदुस्तान में भी और हमारे जो दुनिया भर में हम पार्ट सप्लाई करते हैं बड़े नामी कंपनियों को, तो वो व्यापार भी बढ़ेगा. अग्रीड सर. अच्छा एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दो फैसिलिटीज़ है जो हम लोग को पता है कि बैंगलोर और पूना के अंदर एज ऑफ नाउ वर्किंग कंडीशन में है, यहाँ से आगे और कितनी फैसिलिटीज़ को लेकर आप एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही क्योंकि हम लोग जो एनुअल कैपेसिटीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पर कितना इंक्रीमेंट नेक्स्ट 1 to 2 years में हो पाएगा, एक आइडिया अगर आप ये पैरामीटर्स पर मुझे दे पाएँ. तो हमारा पहले प्लांट की बात करूं तो हमने 2018 के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी अपने प्लांट को, नया एक प्लांट लगाया था जो हमारे कस्टमर कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लांट्स में से है, विश्व स्तर के ऊपर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है. हमारी कैपेसिटी अभी सिर्फ 50% के आसपास उपयोग होती है और आने वाले दिनों के अंदर हमें ऐसा नहीं लगता कि अगले साल 2 साल के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी. हमारी बड़ी हाई ग्रोथ है पर फिर भी कैपेसिटी हमारे पास काफ़ी है. अग्रीड सर. अच्छा एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल ब्रेकअप, क्योंकि हम लोग जानते हैं OEMs में से टायर वन की अगर स्पेसिफिकली बात करें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका वहाँ से आता है, और बाकी सेगमेंट्स की जो बात करें कंज्यूमर अप्लायंसेस वहाँ से नियरली 28-29% वहाँ से आता है. आगे जाते हुए इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं जोसेफ जी, अगर आप ये मुझे एक पैरामीटर्स बता पाएं?
we are looking at CAGR growth of in the range of about 25% overall. This is mainly because of our focus of increasing the content on the car or two-wheeler or on the appliances, and also focusing on export businesses. And and we have been consistently delivering about 28-30% EBITDA margins, and in the future as well we will continue to do so. Agreed, sir. Aur industry growth rate kis tarike se work out ho raha hai next 1-2 years ke liye? We are mainly focusing on the US market, because US market is a big opportunity for our kind of products, and then of course again in Europe and also in the Asia Pacific region. In fact, we are contemplating on looking at some small acquisitions, so that we will have a front-facing kind of an arrangement in US and Europe, also in the Asia Pacific region, so that the manufacturing will happen in India with our pricing policies and all that. So we'll be a lot more profitable and competitive in the export market. Agreed, sir. Acha, acquisitions ke baare mein aap bata rahe the, jitne geographies aap tap karne wale hain, ab ye kuch evaluations chal rahe hain, next near term mein kis tarike se aage aate hue dekhenge hum log? Abhi jara jaldi hai ye kehna, par hum ye bol sakte hain ki as a very progressive company, हम हमेशा इवैल्यूएट करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, क्योंकि ये मार्केट बड़ी फ्रेगमेंटेड है हिंदुस्तान में भी और ग्लोबली. तो हमारे जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा एसजीएस में है, शायद दुनिया में कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो सब कुछ बनाती है. तो हम जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने की बात करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी ज्योग्राफी, कौन से कस्टमर को हम फोकस रखेंगे, तो उस तरीके से उस ज्योग्राफी के अंदर हम एक्विजिशन की बात करेंगे. तो अभी जरा प्रीमेच्योर स्टेज है, हमने कुछ कंपनीज की लॉन्ग लिस्ट बनाई हुई है, उसको शॉर्ट लिस्ट करके फिर वो ठीक वैल्यूएशन पे मिले, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा कंसर्न ये है कि स्टेक होल्डर वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो हम एक्विजिशन सिर्फ उस लिहाज से करेंगे जो हमारे लिए वैल्यू एक्रिएटिव हो, वैल्यू बढ़ाए हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए.